नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी और इस बुलेटिन में नजर डालेंगे सीएम के जनता दरबार पर, संसद में दुष्यंत चौटाला की आवाज पर, सुभाष बराला पर और साथ ही रोहतक की उन दो बहनों पर जिनकी खबरें लगातार छाई हुई हैं। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। सीएम खट्टर ने झज्जर में लगाया जनता दरबार, पुलिस को दिया कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश। दुष्यंत चौटाला ने लोकसभा में उठाया किसानों का मुद्दा, कहा पानी समेत कई मुद्दों को लेकर किसान लंबे वक्त से कर रहे हैं आंदोलन, सरकार नहीं ले रही कोई सुनवाई। अनिल विज ने कांग्रेस सरकार के पदक लाव पदपाव नीति पर उठाए सवाल, कहा खिलाड़ियों ने अपनी मेहनत से किए हासिल पदक, 12 जनवरी को लागू होगी नई खेल नीति। रामपाल को लेकर मुख्य सचिव पीके गुप्ता का बयान, कहा रामपाल को लेकर कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, आश्रम गलत तरीके से बना होगा तो उसको लेकर भी कार्रवाई होगी। और सवालों में घिरी मर्दानी बहनें, एक दूसरे वीडियो में भी लड़कों से मारपीट और गाली गलौज करती दिखी, आरोपी पक्ष के परिजनों ने वीडियो को लेकर उठाए सवाल। रोहतक बस में छेड़छाड़ मामले में आया नया मोड़, मीडिया के सामने आई एक महिला चश्मदीद, आरोपी लड़कों को बताया निर्दोष। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। जिस तरह से जिक्र किया था कि एक के बाद एक खबरों पर नजर डालेंगे और सबसे पहली खबर मुख्यमंत्री के जनता दरबार की। दरअसल झज्जर में आज सीएम खट्टर ने जनता दरबार लगाया। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने जनता की समस्याएं सुनी और इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि झज्जर और बहादुरगढ़ की आवासीय कॉलोनी से गुजरने वाले हाई पावर लाइनों को स्थानांतरित करने के लिए 4 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था को ठीक बनाने के लिए पुलिस को निर्देश भी दिए। तो आपको बता दें कि सीएम का जनता दरबार आज झज्जर में लगा और यहां पर मुख्यमंत्री की तरफ से जनता की समस्याओं को सुना गया और इसके अलावा मुख्यमंत्री की तरफ से दिशा निर्देश भी दिए गए अधिकारियों को, पुलिस अधिकारियों को कहा गया कि कानून व्यवस्था को पुख्ता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएं। हाई पावर लाइनों को का स्थान बदला जाएगा, उनको स्थानांतरित करने के लिए जो योजना बनाई गई थी उसके लिए 4 करोड़ की राशि मंजूर कर ली गई है।